राजस्थान के अंता में आतंकवाद विरोधी दिवस को लेकर उपखंड कार्यालय शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर उपखंड अधिकारी दीपक महावर ने बताया कि देश समाज में वर्तमान समय में कुछ लोग पथ भ्रमित होकर राष्ट्रीय व सामाजिक एकता को विखंडित करने का कार्य करने में लग जाते हैं, जिससे सामाजिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता को खतरा पैदा हो रहा है। इस हेतु राजस्थान सरकार के शांति एवं अहिंसा निदेशालय, जिससे सामाजिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता को खतरा पैदा हो रहा है, इस हेतु राजस्थान सरकार के शांति एवं अहिंसा निदेशालय जयपुर के निर्देश से उपखंड स्तर पर NSS, NCC, स्काउट गाइड, नेहरू युवा केंद्र, पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग, सखी सुरक्षा सदस्यों, शांति समिति के सदस्यों सहित सामाजिक कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों को सम्मिलित करते हुए शपथ ग्रहण करवाया गया। अहिंसा अहिंसा एवं सहनशीलता एवं सहनशीलता की परंपरा में दृढ़ विश्वास रखते हैं तथा निष्ठापूर्वक शपथ लेते हैं। आज के इस कार्यक्रम में मेरे साथ यहाँ उपस्थित महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन वानती श्रीनिवासन जी, हमारे महामंत्री और संगठन के दृष्टि से महिला मोर्चा देख रहे और राज्यसभा में मेरे साथी रहे श्री दुष्यंत गौतम जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री महिला मोर्चा दीप्ति रावत जी, हमारे राष्ट्रीय मीडिया इंचार्ज महिला मोर्चा नीतू डबास जी, गीतांजलि शर्मा जी जो नेशनल एग्जीक्यूटिव की सदस्य हैं और आज की मंच संचालक, यहाँ दिल्ली में एकत्र आए हमारे सभी विशिष्ट महिला मोर्चा की कार्यकर्त्री, पदाधिकारी, विभिन्न जिम्मेवारियों पर काम करने वाले ऐसे हमारे सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता बहनें और हमारे रिसोर्स पर्संस जो इस कार्यक्रम में जुटे हैं, और साथ ही साथ देश भर के सभी यूनिट्स जो डिजिटली हमारे साथ जुड़े हैं, विशेष करके 7 स्थान जिनके साथ अभी हमें इंटरैक्शन करने का भी मौका मिला, ऐसी हमारी सभी बहनें, सबसे पहले तो आप सब लोगों ने इस कार्यक्रम में अपने आप को समावेश करते हुए जोड़ा है, तो आप सबका सबसे पहले बहुत बहुत अभिनंदन, आप सबका स्वागत। मुझे कुछ दिनों पहले वानती जी ने बताया था कि इस तरीके से हम कमल मित्र की कल्पना को लेकर के आगे बढ़े हैं और इसमें हम प्रत्येक लोकसभा में 200 हमारी महिला मित्र बने, कमल मित्र बने, और कमल मित्र आगे चल करके सभी को ट्रेनिंग के माध्यम से कोशिश करते हुए लगभग 1,00,000 कमल मित्र बनाने की हमने योजना बनाई है और 15 ऐसे हमारे केंद्र के कार्यक्रम हैं जिन कार्यक्रमों को हम अच्छी तरीके से उसकी जानकारियां दें और लोगों को सजग करें, बताएं, जानकारी पहुंचाएं ताकि इसका ज़्यादा से ज़्यादा हमारी महिला लाभ ले सकें, बहनें लाभ ले सकें, इस उद्देश्य को लेकर के इन्होंने कल्पना मेरे सामने रखी थी। मैंने उसी समय इनको कहा था कि अच्छी कल्पना है, आप इसको आगे बढ़ाइए, और आज मुझे प्रसन्नता हो रही है कि राष्ट्रीय वर्कशॉप करने के पश्चात आपने आज इसको कमल मित्र के कार्यक्रम को लॉन्च किया है, इसके लिए मैं विशेष करके महिला मोर्चा को बधाई देता हूं जो इन्होंने इस काम को किया। आपने इस कार्यक्रम में रिसोर्स पर्संस में प्रोफेशनल्स को भी जोड़ा है और नए आयाम के साथ उनको ट्रेनिंग के दृष्टि से आप अपने में समावेश कर रही हैं, इसके लिए आप सबको बधाई और वानती जी को भी इस कॉन्सेप्ट के लिए बधाई, उनकी टीम को बधाई, महिला मोर्चा को बधाई जिन्होंने इस काम को आगे बढ़ाया। मुझे खुशी इस बात की भी हुई कि आपने इस कार्यक्रम को रीजनल लैंग्वेजेस में रजिस्ट्रेशन से लेकर ट्रेनिंग का पार्ट उसको आपने क्षेत्रीय भाषाओं में भी उसको अनुवादित करके करने का प्रयास किया है, यह विशेष करके बहुत ही अच्छा आयोजन है, प्रयोजन है, जिसके कारण
ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकेंगे। मुझे बताया गया कि गुजराती में भी, तेलुगु में भी, मलयालम में भी, तमिल में भी, उड़िया में भी, सभी भाषाओं में आपने इसकी ट्रांसलेशन करके इसकी ट्रेनिंग को, मॉड्यूल को आपने जो रूप दिया है, उसके लिए भी आपको मैं बधाई देना चाहता हूं। और आपको भी बधाई देना चाहता हूं कि आपने आज बहुत अच्छी हिंदी में पूरे देश को संबोधित किया और इस कार्यक्रम को एक तरीके से अच्छा एक संदेश भी आपने दिया है। मैंने दो तीन प्रश्न जरूर खड़े किए, मैं जब वंती जी आई तो मैंने, क्योंकि वो आपको भी मैं उसके बारे में कॉशन करना चाहता हूं। वो ये है कि सबसे पहले ट्रेनिंग में, ट्रेनिंग किसने ली या नहीं ली, डिजिटल के फायदे भी हैं तो उसके ग्लिचेस भी हैं, तो आपको उसमें अटेंडेंस की डिजिटली व्यवस्था करनी पड़ेगी। और मैं चाहूंगा कि स्टेट यूनिट्स रीजन वाइज इसकी चिंता जरूर करें कि अगर ट्रेनिंग ली है तो वह ट्रेनिंग में उनकी अटेंडेंस कैसे होती है, उसको भी आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। तो ये एक विषय आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। दूसरा, मैंने इनसे पूछा कि एग्जामिनेशन कब शुरू हुआ और एग्जामिनेशन कब समाप्त हुआ, उसका ड्यूरेशन क्या था, इसके बारे में आप कुछ सोचेंगी? तो इन्होंने कहा सोचेंगी जरूर, लेकिन उन्होंने कहा ये प्रमोशनल है तो इसलिए मैं इनको नोशनल हालत में मैं कहता हूं कि आप इसको आगे बढ़ाइए, लेकिन आगे डिजिटली इन दोनों चीजों की हमको चिंता करनी पड़ेगी ताकि हम जो ट्रेनिंग दे रहे हैं वो इफेक्टिव ट्रेनिंग दे और उसकी इफेक्टिविटी बने, एफिकेसी बने, इसकी हमको चिंता करनी होगी। मैं ये सब बातें इसलिए कहता हूं कि आप मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत में नीचे तक वह उसी तरीके से परकुलेट हो, उसकी आवश्यकता होती है। इसलिए क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज ना हो, उसकी इफेक्टिविटी कमजोर ना हो, उसकी एफिकेसी कम ना हो, उसके लिए इन बातों को ध्यान में रखने की जरूरत होगी। और इसमें डिजिटली हर चीज की व्यवस्था है, तो आप जब डिजिटली ट्रेनिंग देंगे, ऑनलाइन ट्रेनिंग देंगे, तो इनकी भी आप व्यवस्थाएं खड़ी करेंगे तो अच्छा रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। मित्रों, बहनों, आप लोगों के साथ मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं और वो ये है कि बहुत लंबे समय तक नीति निर्धारकों ने महिलाओं की बात तो कही, लेकिन बात को जमीन पर उतारने में और लास्ट माइल डिलीवरी करने में बहुत से गैप्स रह गए, बहुत से गैप्स रह गए। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमें खुशी है कि आज सही मायने में इन नीतियों के माध्यम से, इन कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं का धरती पर सशक्तिकरण हो रहा है। द इम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एट द ग्रास रूट लेवल, जिसको हम कहते हैं ग्राउंड जीरो पर हो रहा है। और इसमें हम लोगों के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है कि हम बढ़ चढ़ करके ज्यादा से ज्यादा महिलाओं तक इन योजनाओं को सही रूप में पहुंचा सकें, ये हमारी जिम्मेवारी है। अब मुझे याद है, मैं स्वास्थ्य की अगर बात कहूं तो एक समय था, योजनाएं तो बहुत थी लेकिन फायदा कौन लेता था, फायदा वहां पहुंच नहीं पाता था। लेकिन आज हम कह सकते हैं कि स्वास्थ्य विभाग के कार्यक्रमों में हमारी इफेक्टिविटी बहुत बढ़ी। अगर हम टोटल फर्टिलिटी रेट देखें तो वह भी नीचे आ रहा है, अगर हम एमएमआर की बात करें तो वह भी सुधर रही है, अगर हम आईएमआर की बात करें तो उसमें भी बहुत सुधार हो रहा है। तो ये कैसे हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इन कार्यक्रमों की इफेक्टिविटी को बढ़ा दिया गया है। और आप लोग भी अपने कार्यक्रम की इफेक्टिविटी बढ़ाएंगे, मैं बार बार इसी पर जोर दे रहा हूं, तो उससे आपको जरूर फायदा मिलने वाला है। दूसरी बात, अब देखिए ये भी आपको चर्चा करनी चाहिए, ये डिजिटली आप नहीं कर सकेंगे क्योंकि डिजिटली तो आप प्रोग्राम के बारे में चर्चा करेंगे। मैं प्रोग्राम के बारे में एक बात जरूर कह दूं कि मैं आया सुबह तो ऑफिस में ये पड़ा हुआ था तो मैंने इसको पढ़ना शुरू किया। मैं आप सब से निवेदन करूंगा कि आप सब लोग भी यह जरूर पढ़ें,
इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा, बहुत सी चीजें आपके ध्यान में आएंगी कि आपकी भी जानकारी में नहीं थी, और आपकी जानकारी में नहीं थी तो आप नीचे कैसे देंगे। इसलिए इसको भी पढ़ना, ये जो भी हमारे स्टेट्स में भी सुन रहे हैं, सभी स्टेट के यूनिट से मैं निवेदन करूंगा कि इसको रीजनल भाषा में ट्रांसलेट कर दिया गया है, मैंने पता किया, तो इसको ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ें, और पढ़ करके हम अपने कोर्सेज में जब हम चर्चा करें तो उसमें हम उसकी हाउ टू एंटर इनटू द प्रोग्राम, कैसे हम उसकी फैसिलिटी ले सकते हैं, ये सब चीजों के बारे में डिटेल बताया गया है। देखिए, जैसे जब मैं कार्यक्रम की बात करता हूं तो आप लोगों ने 15 कार्यक्रम तो निकाले हैं, मैं 15 कार्यक्रमों के बारे में तो चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि आप सब लोग उनको करने वाले ही हैं। लेकिन मान लीजिए मैं एक कार्यक्रम उठाता हूं, जल जीवन मिशन, हर घर जल हर घर नल। अब इसमें मुझे नहीं मालूम कि आप लोगों में से कितने लोगों को गांव में रहने का मौका मिला है, लेकिन मैं गांव से आता हूं, यह कितनी बड़ी ताकत दे रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी का यह कार्यक्रम। मैं कभी आपको मौका मिलेगा तो मैं वो आपको वो भी दिखाऊंगा किस तरीके से महिलाएं एक झुंड में पहाड़ों से नीचे उतरकर और एक एक घैला पानी भरकर किस तरीके से वो ऊपर ले जाती थी, वो मैंने अपने आंखों से दृश्य देखा है। और समय कितना लगता था मालूम है? 2 से 2.5 घंटे नीचे जाना, पानी भरना, फिर रास्ते में रुक रुक करके पानी वापस लाना। आज जब हर घर जल हर नल जल ये कार्यक्रम बनता है तो इसका सबसे बड़ा सशक्तिकरण होता है तो महिला सशक्तिकरण होता है, इसको आपको समझना। और मैं चाहूंगा कि आप सब लोगों की इसकी चर्चा करनी चाहिए। 3-3 किलोमीटर दूर जाकर के लोग पानी भरते रहे, और आज ये जल जीवन मिशन में घर घर पे नल की को बढ़ाने के, और इसकी संख्या कितनी है, 9 करोड़ टैप कनेक्शन देने का योजन को हम पूरा कर रहे हैं, 9 करोड़। अब 9 करोड़ अब जब घर बोलते हैं तो आप समझिए कि भारत कहां खड़ा था। जब मैं सारी चर्चा करता हूं तो हमारे कांग्रेसी भाई बहुत उनको बड़ी दिक्कत होती है, लेकिन आप सोचिए, सच्चाई तो यही है कि 9 करोड़ घरों को अगर नल दिया जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, तो इस 2014 के पहले भारत कैसा खड़ा था, किस तरीके का भारत खड़ा था। और आप मैन आवर्स जोड़ लीजिए, अगर 2.5 घंटे 2 घंटे एक बहन को प्रतिदिन पानी लाने जाना पड़ता हो तो कितने घंटे होते होंगे और कितना समय उनका जाता होगा और कितने नुकसान होता होगा। मैं ऐसे ही जब मैं पहली बार एमएलए बना, आपको सुनाता हूं, तो मैं गर्मी में निकल गया, एक पहाड़ पर गया जो मेरी कंस्टिट्यूएंसी थी, तो एक बूढ़ी महिला मिली, मैंने कहा नमस्ते, कहने कहा हाँ हो गए तुम्हारे दर्शन, मैंने कहा जी आ गया मैं, मैंने कहा क्या कोई तकलीफ है, तकलीफ पूछ रहे हो, ये देखो मेरे सर के बाल चले गए घैला उठा उठा करके, ये मेरे साथ बीती हुई घटना आपसे मैं शेयर कर रहा हूं। पानी के लिए हमको वहां जाना पड़ता है, खैर मैं एमएलए था, बाद में मंत्री बना, मैंने उनकी योजन करके पानी पहुंचाया, बहुत खुशी हुई उन लोगों को। लेकिन ऐसा भी भारत हमने देखा है, और यहां महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री मोदी जी लेकर के आए हैं कि कोई घर बिना नल के न रहे और नल बगैर पानी के न रहे, जल के न रहे, इसको हमको समझना। उज्ज्वला योजना की बात, ये भी मैं गांव से आता हूं इसलिए आपसे मैं शेयर करना चाहता हूं, लगता तो बड़ा आसान है, हमारे जैसे लोग पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल जो होते हैं वो यहां पर आंकड़े गिना देते हैं, कह देते हैं 9.5 करोड़ हमने गैस का कनेक्शन दिया और गैस का कनेक्शन पहुंचाया। लेकिन ये गैस का कनेक्शन ही सिर्फ नहीं है, गांव में उज्ज्वला योजना से पहले बहनें सवेरे 5 बजे उठकर अपने दैनिक नित्य क्रम से फ्री होकर जंगलों में जाती थी, जंगल से लकड़ी काट के लाती थी,
लकड़ी काट करके चूल्हा जलाती थी, और आपको पता नहीं मालूम है कि नहीं है, एक उसको हम लोग फूकनी बोलते थे, है ना, उससे फूक फूक करके और उसको फूकने के बाद जो धुआं उठता था वो सारा धुआं अपने छाती पर यानी अपने लंग्स में लेना, और एक दिन में कम से कम 200 सिगरेट के बराबर का धुआं वो इनहेल कर लेती थी। पल्मोनरी डिजीज, लंग की डिजीज उनको होती थी, और आंखें अलग से, मतलब रसोई से बाहर निकले तो पहले तो पानी डालें, और बिल्कुल पानी पानी हो रहे होते थे। ये दिन हमने देखे हैं, इस तरीके की स्थितियां हमने देखी हैं। और अच्छा, लकड़ी अलग कटती थी, जंगल अलग कटते थे। अच्छा, और भी उसमें क्या होता था, वो सुबेरे 5 बजे जब वो काटती थी तो पड़ोसी उठ जाता था कि ये मेरा पेड़ कट रहा है या तेरा पेड़ कट रहा है, झगड़ा उस पर भी हो जाता था। यानी वहां से लेकर के आज व्हाट इज नंबर कितना है, उज्ज्वला योजना में 9.5 करोड़ लोगों को गैस का कनेक्शन दिया गया है, और ये ऐसे ही नहीं बांटा गया है, इसमें आप पढ़ लीजिएगा, जो लोगों को जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाया गया है। और जरूरतमंद लोग अगर 9.5 करोड़ थे तो 2014 से पहले भारत की क्या स्थिति थी, इसका हमको अंदाजा लगाना चाहिए। अगर मैं बात करूं स्वच्छता अभियान की, मैं बार बार लोगों को कहता हूं, और मैं चाहूंगा कि आप लोग भी इन सब बातों को कीजिए, क्योंकि महिला सशक्तिकरण और इसका डायरेक्ट बेनिफिट महिलाओं को ही मिला है। जब स्वच्छता अभियान की चर्चा प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किले के प्राचीर से की तो कांग्रेस के लोगों ने मजाक उड़ाया, ये कहा कि भारत का प्रधानमंत्री स्वच्छता की बात लाल किले के प्राचीर से कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो इतने कटे हुए थे धरती की समस्याओं से कि उनको इसके बारे में जानकारी नहीं थी। आज आपको जानकर के आश्चर्य भी होगा कि 11.5 करोड़ इज्जत घर टॉयलेट। कोटा जिले के सांगौद में JLN एजुकेशन ग्रुप सांगौद के निदेशक एवं संस्थापक डॉक्टर आजम बेग एवं संस्था अध्यक्ष डॉक्टर फरीदा बेग 28 मई को सिंगापुर में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक अधिवेशन में सम्मानित होंगे। डॉक्टर आजम बेग छोटे से कस्बे के निवासी होने के बावजूद अल्प समय में ही शिक्षा व समाज सेवा में प्रदेश के साथ साथ देश विदेश में पहचान बनाई है। इन्होंने समय समय पर जरूरतमंद परिवारों को गर्म कपड़े, कंबल, रसद सामग्री, राशन किट एवं कोरोना महामारी में भोजन तैयार कर पैकेट वितरित किए थे। वहीं जनजागरण रैलियां सामाजिक सरकार का लक्ष्य जो हमारे किसान है, मजदूर है, छोटे दुकानदार है, युवा है, उनकी रक्षा करना और उनके भविष्य को सुनहरा बनाना है। नम सरकार गुरी इतकू राज्यलीरत रैतरु किराने अंगड़ी युवक विद्यावंतरु उद्योग अवरेलू कूड़ा नेरवागी निंतकोबेकु। हम आपको एक साफ सुथरी नॉन करप्ट सरकार देंगे। ना ओंदु भ्रष्टाचार मुक्तवादंत सुसंद्रवादंत सरकार तमेलू कूड़ा संदर्भदल्ली कोड्तीवंत आश्वासन कोड्ती। एक बार फिर कर्नाटक के हर युवा माताओं और बहनों को धन्यवाद। नानु मत्तोम्मे कर्नाटक राज्य एल्ला युवकरिगे अक्का तंगियंदरिगे तायंदरिगे धन्यवाद हेळ्तीनि। आपने अपना प्यार और अपनी शक्ति कांग्रेस पार्टी को दी, हम इस बात को कभी नहीं भूलेंगे। नीवु निम्मेल्लर प्रीति विश्वासन शक्तिन कांग्रेस पक्ष के कोट्टिदिरा, इदन्न नावु यावत्तू कूड मरियक साध्यवागल्ल। ये सरकार कर्नाटक की जनता की सरकार है, आपकी सरकार है। ई ओंदु कांग्रेस सरकार कर्नाटकद जनतेय सरकार, तम्मेल्लर सरकार, और ये दिल से आपके लिए काम करेगी। इवरु मनस्पूर्वकवागि श्रद्धेयागि निम्गोस्कर दुडितारे। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार,
जय हिंद। ठल तोड़ने के आरोप को लेकर हुए विवाद में महिला की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। पूरा मामला जनपद सिद्धार्थ नगर के जोगिया कोतवाली के गोनहा का है, जहां 45 वर्षीय बासमती देवी को दबंगों द्वारा कोदाल में लगे डंडे से मार मार कर हत्या कर दी गई। आपको बताते चलें कि गांव के दो परिवार में दो दिन से कटहल तोड़ने का विवाद चल रहा था। कटहल तोड़ने का विवाद इतना बढ़ गया कि हत्या तक की नौबत आन पड़ी। महिला की हत्या तक मामला आ गया। महिला की हत्या के बाद गांव में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पुलिस बल पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्यवाही में जुट गई। फिलहाल आरोपी फरार है। वहीं मृतका के परिजनों ने बताया कि कटहल तोड़ने को लेकर विवाद चल रहा था, जो कि कटहल बंदर ने तोड़ा था। लोगों का शक था कि कटहल हम ही लोगों ने तोड़ा है और लोग मारपीट पर उतर आए। हमारा नाम पुष्पा है। गांव में एक टेम्पू आया था, हमारी मम्मी भेली जाने गई थी। गांव में बंदर आए थे, कटहर का पेड़ था, बंदर 3 कटहर तूर के नीचे गिरा दिए। उस घर के लोग कह रहे हैं कि कटहर तुम्हें टूरी हो, बरसाती तौलन किसलौती गोलकी और दिनेश चित्राम, सभी लोग मिलकर कह रहे हैं। कल से झगड़ा हो रहा, आज भी हो रहा है, सुबह से सभी लोग मारे थे। ये थाना जोगिया उदयपुर में गुना गांव में एक 45 वर्षीय महिला की हत्या कर दी गई है। इसमें गांव में ही आपसी विवाद को लेके इसमें जो विपक्षियों द्वारा इसके सर पे वार किया गया, जिससे इसका मृत्यु हुआ है। मौके पे पुलिस टीम आ गई है, साथ में फील्ड यूनिट भी है और जानकारी प्राप्त की जा रही है। इसमें शीघ्र ही जितने भी इसमें अभियुक्त है उनकी गिरफ्तारी कर कठोरतम कार्रवाई की। द्वार के पीरान कलियर में फिर हुई कार्यवाही अतिक्रमण पर। आज पीरान कलियर पीर गैब साहब में अतिक्रमण पर फिर से कार्यवाही हुई। दर्जनों दुकानें निशाने पर आती, जेसीबी तैयार थी, लेकिन दानिश साबरी चेयरमैन प्रतिनिधि शफकत अली के प्रार्थना पर प्रशासन ने जेसीबी से कार्यवाही नहीं की और उनको थोड़ा दुकान हटाने का मंगलवार तक का टाइम दे दिया। दरगाह पीर गैब साहब के बैक साइड में जो अतिक्रमण हटना था उस पर प्रशासन की नजर नहीं गई, अतः अब ये देखने वाली बात होगी कि प्रशासन की नजर वहां पर कब तक जाती है, मौके पर जाती भी है या नहीं। मौके पर दर्जनों पुलिस प्रशासन, एसडीएम अभिनव शाह, राजेश चौहान, शेर सिंह, राजन चौधरी मौजूद रहे। आज हम पीर गैब साहब पे हैं। यहाँ पर अतिक्रमण हो रहा था जिसको प्रशासन ने साफ करवाया है और दानिश साबरी आए हुए थे यहाँ पर, जिन्होंने समय लिया था प्रशासन से, तो प्रशासन ने मंगलवार तक का टाइम दिया है।